प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। का करतनी बैंगन खेत में? हम अपना बैंगन के खेत में देखा तनी भैया, आज कीड़ा मकुर फफूंदी नहीं खेने लगल। ये धूप में घुमत घुमत रह कहाँ आ गई नी हा? क्या बताई दीदी, पिछला साल टमाटर के खेती कैनी वहूँ में फफूंदी लग गई, ये साल बैंगन के कैले बनी वहूँ में फफूंदी के बीमारी लग गई बा। सोचा तनी जा तनी अब दवा ले। यार उरे बीजा अमृत घोल बना के उपचार नहीं कैले का? बीजा अमृत का होला? हम तो एकरा नामो ना सुनले रहनी हा। हम तो खेत में बैंगन में दवाई कीन के छिटी ले। बाजार से दवाई कीन ला के का जरूरी बा? ये तो बीजा अमृत घर ही में बनता। बाजार से रोरा दवाई खरीद के लिए आए तो एगो दूगो पौधा में लगाए, ये तो ये घरे बनाओ बनावल जाता वो तो सब पौधा में रोरा लगाए। ये में भैया कोनो खर्चा के जरूरी नहीं है, बिना खर्चा के घरे ही में तैयारी होला। दीदी बीजा अमृत बनावे के हमरो के विधि बता दी, हम पौधा में बीज में अपन उपचार करके खेती कर। चली भैया रोरा का दवाई खरीद के लिए आए हम रोरा के चलता नहीं बता दे तनी चली। चली भैया हमने के तैयार गई नी सन, अब चली बीजा अमृत बनाए के पहला तो मैं ओमे कोनो सामग्री लागत है चली रोरा के बताओ तनी। हाँ दीदी, सामान बतावे से पहले अपन परिचय दे दी तो बहुत बढ़िया रही। हमार नाम सविता देवी, घर छलोना, प्रखंड बरौली, पोस्ट सनबरसा, जिला गोपालगंज, दुर्गा जीविका स्वयं सहायता समूह के हम सदस्य हैं, ज्योति जीविका महिला ग्राम संगठन के हम सदस्य हैं। दीदी परिचय तो रहूरा बहुत बढ़िया देनी, बीजा मित्र बनावे के विधि अब बता दी। चलिए भैया हम बता देते नी। देखी भैया देसी गाय के 5 किलो गोबर लगी। दीदी कितना गोबर लगी? 5 किलो? हाँ। देखी भैया हे में 5 लीटर देसी गाय के गौमूत्र बा। 5 लीटर देसी गाय के मूत्र बा? हाँ भैया। देखी भैया आवरी सब सामग्री में 50 ग्राम चूनो लगी। देखी भैया पोखरा में के और एक मुठी माटियो लगता। ये पोखरा में के माटी है दीदी? हाँ भैया। देखी भैया बीज अमृत घोल ढके खाती एगो चट्टी के बोरा के जरूरत लगी। चट्टियो के बोरा लगी दीदी? हाँ भैया। ओकरा साथे एगो घोल चलावे खाती डंडो के जरूरी बा। ये डंडो के जरूरी पड़ी? हाँ भैया। 100 किलो बीज खाती 20 लीटर सादा पानी लगी। दीदी 100 किलो बीज खाती 20 लीटर पानी लगी? हाँ भैया 20 लीटर सादा पानी लगी। सामान तो बता देनी, एक विधि बता दी जी बनी के। चली भैया हम बता देते नी, घोल तैयार करे खाती नादो के जरूरी लगी। दीदी अगर नाद ना हो तब? नाद ना हो तब प्लास्टिक के बाल्टियों से हो जाए। प्लास्टिक के बाल्टियों में हो जाए? हाँ भैया प्लास्टिक के बाल्टियों में हो जाए। देखी भैया हई नाद में हम 20 लीटर सादा पानी पहले डालत नी। दीदी पहले पानी डलाई? हाँ भैया पहले पानी डलाई। हम एमे 5 किलो देसी गाय के गोबरो डालत नी। पाँच किलो देसी गाय के गोबर ना मिले तब क्या कल जाए दीदी? देसी गाय के गोबर यदि ना मिले तो देसी बैल के 2.5 किलो गोबर आ देसी भैंस के 2.5 किलो गोबर एमे डाल सकिले। डाल दिए? हाँ भैया डाल दिए। देसी गाय के गोबर काय खातिर डालल जाला, का फायदा? देसी गाय के गोबर यही खातिर डालल जाला भैया फफूंदी ना लागेला। हम एमे अब देसी गाय के 5 लीटर गौमूत्र मिला रहल बानी। अगर देसी गाय के गौमूत्र ना मिले तब? यदि गाय के देसी गाय के गौमूत्र ना मिलल तो 2.5 लीटर देसी बैल के मूत आ 2.5 लीटर देसी भैंस के मूत डाल दें। दीदी 2.5 लीटर देसी बैल के 2.5 लीटर देसी भैंस के? हाँ भैया डला जाए। हाँ डला जाए। गाय के मूत्र डालला से का फायदा होला? गाय के मूत्र डालला से कीड़ा मकुर मर जाला भैया। गाय के मूत्र डालला से कीड़ा मकोड़ा मर जाला से? हाँ भैया कीड़ा मकुर मर जाला। अब हम है बीज अमृत घोल में
50 ग्राम चूना डाला था नी। कितना बा दीदी 50 ग्राम? हाँ भैया 50 ग्राम चूना डालला से का फायदा हुई? चूना डालला से पौधा के कोशिका मजबूत होला और जमीन के उपजाऊ होला। दीदी चूना डालला से कोशिका पौधा के मजबूत होला? हाँ भैया मजबूत होला। जमीनों उपजाऊ होला? हाँ भैया जमीनों उपजाऊ होला। एमे एक मुट्ठी पोखरो के माटी डलाई। पोखरा के माटी डालला से का फायदा बा? पोखरा के माटी डालला से जीवाणु ज्यादा होला और माटी भी मजबूत रहेला। एमे रासायनिक खाद के जरूरी ना पड़ेला। पोखरा के माटी डालला से दीदी एमे जीवाणु ज्यादा होला? हाँ भैया जीवाणु ज्यादा होला। मिट्टियों मजबूत होला? मिट्टियों मजबूत होला। एमे रासायनिक खाद ना होला? ना भैया। देखी भैया घोल तो तैयार हो गए। अब एमे चलावे खातिर मजबूत से एगो डांटा के जरूरी बा। हम चलावो तनी दीदी एकरा के मने पूरा अच्छा तरह से फेटे खाती घोरे खाती मने डंडो चाही। हाँ भैया खूब बढ़िया से घोला जाई तब बुझम जो घोल तैयार हो गई। अभी घोल तैयार हो गई बा। एकरा के 48 घंटा छेदार जगह रख के चोटी के बोरा से ढक के रखे के बा। दीदी घोल तो अब तैयार हो गई तो एकरा के 48 घंटा छेदार जगह में रखल जाई? हाँ भैया 48 घंटा रखल जाई छेदार जगह। चट्टी के बोरा से एकरा के ढकहुं के पड़ी? हाँ भैया चट्टी के बोरा से ढके के पड़ी। अब हमनी के चट्टी के बोरा से ढको तनी। दीदी आई चट्टी के बोरा से काहे एकरा के ढकनी है? चट्टी के बोरा के तोपला से जन घोल गैस बनावेला उ चट्टी के बोरा के छेद से निकल जाला। एमे जौन छेद होला चट्टी के बोरा में वो से गैसवा बनेला तो निकल जाला? हाँ भैया निकल जाला। दीदी बीजा मित्र बनावला से का का फायदा होला, का का लाभ होला? एमे बहुत कुछ लाभ होला भैया। बिना खर्चा के घरे ही में तैयारी हो जाला। 90% बीज भी जाम जाला और पौधा के जड़ भी मजबूत होला। और भैया जमीन के मिट्टी में कोनो बीमारी ना धरेला आ पौधा में फफूंदी ना लगेला आ स्वास्थ्य भी पौधा अच्छा से रहेला। दीदी ऐसे मिट्टी में भी बीमारी ना लगेला? ना भैया पौधा में भी फफूंदी ना लगेला? ना भैया फफूंदी ना लगेला। ऐसे डालला से पेड़ हरा भरा रहेला? हाँ भैया खूब हरा रहेला। पौधा लगाने से पहला हमनी के बीज के उपचार कर सकीले। पौधा लगावे के पहले बीज के उपचार से कर दिए? हाँ भैया बीज के पहले उपचार कर दिए। घोल के 48 घंटा छेदार जगह रखे के बा आ सुबह शाम घोल के डांटा से चलावे के बा। ओकरा बाद धातु वाला बर्तन में नहीं रखे के, जैसे जी स्टील टीना लोहा एमे नहीं रखे के। ओकरा बाद 7 दिन तक इस्तेमाल करे के बा। दीदी किसान भैया के कोनो संदेशो दे? हाँ भैया दीदी भैया लोग के किसान लोग के जरूर संदेश दे। तभी दीदी भैया के हमारे ये अनुरोध बा जे बीज 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 अमृत घोल बना के फसल के उपचार करिया अधिक लाभ उठाई।